हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस माइनस आई एम सजल भानुशाली और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सेल ऑर्गेनल्स का टॉपिक ये टॉपिक है आपके क्लास नाइन के लिए ओके फ्रॉम द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ऑलमोस्ट सारे सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर चुके हैं वी हैव डन गोल्जियापैरटिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। वी हैव डन माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोजोम प्लास्टि लाइजोजोम सब हो चुके हैं बचे दो वैक्यूल्स एंड पेरॉक्सीजोम्स जो आज के सेशन में जो होने वाला है दैट इज वैक्यूल्स ओके okay? अगर आप सब लोगों ने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ये वीडियो के बाद गो चेक इट आउट तो आपको सब डिटेल में मिल जाएगा ओके okay? तो स्टार्ट करें वैक्यूल्स है ना तो ये रहा हमारा सेल दिख रहा है सबको अच्छे से है ना सेल दिख रहा है थ्री में अच्छे से सेल के सारे सारे पार्ट दिख रहे है ओके okay, देखते देखते अच्छा ये सेंट्रोजोम तो समझ में आ रहा है न्यूक्लियस समझ में आ रहा है ये बाहर न्यूक्लियस के बाहर क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूद एंड रफ समझ में आ रहा है अच्छा ये छोटे छोटे ना बर्तन जैसे वेसल के जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको क्या है ये इनके बारे में कभी पढ़ा हमने नहीं ना ओके okay, तो ये जो छोटे छोटे वेसल के जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये है हमारे वैक्यूल्स अब एनिमल सेल्स हम लोगों ने इतने सारे ऑर्गेनल्स किए है।, है ना तो कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे देखे हम लोगों ने जो सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे देखे हमने जो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं जैसे कि प्लास्टिड्स ओके तो ये जो वैक्यूल्स है ना ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते ये एनिमल सेल्स में भी होते हैं प्लांट सेल्स में भी होते हैं बट कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोनों में अब देखते क्या डिफरेंस है ये रहा यहाँ पर ऊपर ये रहा हमारा प्लांट सेल और ये रहा जो हमने यहां पर देखा सेम में है ठीक है ये रहा क्या एनिमल सेल अच्छा लिख लेते हैं कंफ्यूजन ना हो जाए लिख लेते हैं हम लोग दिस इज एनिमल सेल ओके एंड दिस इज व्हाट प्लांट सेल ठीक है तो ये प्लांट सेल हो गया ये एनिमल सेल हो गया अब यहाँ पर वैक्यूल में कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है सबको दिख रहा है ना यहाँ पर प्लांट सेल में जो वैक्यूल है छोटे छोटे है एकदम छोटे छोटे और बहुत सारे वन टू थ्री यहाँ पर बहुत सारे और दिख रहे थे यहाँ पर छोटे छोटे और तो छोटे छोटे होते हैं एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं बट बहुत सारे होते हैं प्लांट सेल का वैक्यूल देखो अब यहाँ ऊपर इतना बड़ा तो वैक्यूल ही है प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल ही है तो इट टेक्स मोर स्पेस प्लांट के आप देख रहे हो प्लांट के बाकी ऑर्गेनल्स जो है उनको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है ये वैक्यूल अच्छा ये वैक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आगे करने वाले तो फिलहाल तो डिफरेंस देख लो लुक्स में डिफरेंस देख लो दोनों के एनिमल सेल्स में विल जस्ट राइट इट डाउन है ना लिख लेते सो so, क्या लिखेंगे इन प्लांट सेल पहले प्लांट के लिए लिख लेते इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लार्ज येस लार्ज लार्जर इन साइज प्लांट सेल में वैक्यूल्स क्या है लार्जर इन साइज बट लेस इन नंबर या फिर लेस इन क्वांटिटी Yes, काफी कम होते एक दो होते क्योंकि वैक्यूल्स ही इतने बड़े होते कि बाकी ऑर्गेनल्स के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती है ना और लिख लेंगे हम लोग एनिमल सेल के लिए तो इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स क्या है वैक्यूल्स आर स्मॉल ये स्मॉलर इन साइज बट मोर इन नंबर या फिर क्वांटिटी जो आपको लिखना है, जो आप कंफर्टेबल हो लिख लो ठीक है तो क्या देखा हम लोगों ने एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं बट छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत सारे नहीं होते बट जो भी वैक्यूल है वो बहुत बड़े होते हैं अब इसके अंदर बड़े है तो कुछ तो होगा अंदर है ना अंदर से खाली थोड़ी होंगे तो ये जो वैक्यूल है इसके अंदर क्या होता है मोस्टली वाटर एच टू ओ प्लस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वैक्यूल के अंदर भरे हुए होते हैं देखते हैं लिख लेते हैं। अच्छा हमने जब भी स्ट्रक्चर पढ़ा या जो भी पढ़ा अभी तक के जितने ऑर्गेनल्स में सबसे पहली चीज हर ऑर्गेनल में इफ यू हैव हम लोगों ने सबसे पहली चीज देखी क्या कि उसको उसके अराउंड कवरिंग है या नहीं मेम्ब्रेन है या नहीं तो वैक्यूल में क्या है इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ना उसके बाहर क्या है ऑर्गेनल उसके बाहर क्या है उसके बाहर है एक मेम्ब्रेन उसके बाहर क्या है एक कवरिंग है अब मेम्ब्रेन है और उसके अंदर क्या है अंदर क्या है इट हैज इट कंटेन्स वेल एज अभी देखा हम लोगों ने इट कंटेन्स वाटर होता है उसके अंदर और काफी सारे वाटर में डिजोल्व क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लिख सकते हो ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक अच्छा ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में वैक्यूल्स का ना ज्यादा फंक्शन है नहीं ठीक है प्लांट सेल्स में सॉरी एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स का ज्यादा फंक्शन है नहीं uh, जो हम लोग डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनके लिए छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं जैसे कि अमीबा यस yes, अमीबा जैसे काफ़ी सारे एनिमल्स है इनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वैक्यूल्स पे चलता है है ना हमारे बॉडी में कैसे होता है हम लोग खाना खाते हैं जो भी अब्जॉर्बशन वगैरह जो भी होता है हमारे पेट में होता है यस yes, हमारा पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का और काफ़ी सारे डेवलप्ड एनिमल्स का बट अमीबा सिंगल है ना उसके पास यूनि एक ही सेल है तो उसका जो भी डाइजेशन वगैरह पूरा प्रोसेस होता है ना वो वैक्यूल में होता है अच्छा वैक्यूल का आ, सबसे आ, बड़ा फंक्शन है प्लांट सेल में यहाँ पर अगर आप प्लांट सेल को देखोगे ना तो थर्टी परसेंट मी सी लेट मी जस्ट राइट इट ओवे ठीक है थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट से एटी परसेंट प्लांट सेल का जो वॉल्यूम है पूरे प्लांट सेल का जितना भी वॉल्यूम है थर्टी परसेंट टू एटी परसेंट तक वैक्यूल ने ही कवर कर लिया और इसके पीछे भी बहुत वैक्यूल का बहुत अच्छा फंक्शन है देखते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले तो वैक्यूल इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट यहाँ पर हम लोगों ने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल देखा उसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या है टोनो है ना मेम्ब्रेन का नाम क्या है इसके टोनोप्लास्ट टोनोप्लास्ट की नाम की जो मेम्ब्रेन होती है कवरिंग होती है वो वैक्यूल के पास होती है और इसके अंदर इट एनक्लोजेस एनक्लोजेस मतलब उसके अंदर क्या होता है फ्लूड होता है फ्लूड कंटेनिंग इनऑर्गेनिक मटीरियल लाइक वाटर एंड ऑर्गेनिक मटीरियल्स अभी देखा हम लोगों ने इनऑर्गेनिक मटीरियल होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं अभी मैंने बताया आपको कि अमीबा का अमीबा का डाइजेशन वैक्यूल में होता है तो काफी सारे एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि उसमें डाइजेशन हो रहा है तो ये सारी चीज़ें वैक्यूल के अंदर भरी हुई होती हैं। अब देखते हैं फंक्शन फंक्शन एक एक करके देखते चलो ओके वैक्यूल्स एक्ट अ स्टोरेज फॉर न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वेस्ट मटेरियल टू प्रोटेक्ट द सेल फॉर टॉक्सिसिटी अब यहाँ पर देख रहे हो आप वैक्यूल यहाँ पर भी यहाँ पर भी ओके okay, अभी देखिए हम लोगों ने काफी सारे वैक्यूल तो इतना तो पता है हमको कि वैक्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे बैग्स होते हैं और ये काफी आ, सेल के आ, सेल से थोड़े से दूर रहते हैं थोड़े से अलग रहते हैं तो यहाँ पर एक तो चीज़ें स्टोर हो सकती है या फिर वैक्यूल का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या अगर सेल के अंदर कुछ टॉक्सिक चीज़ आ गई सेल के अंदर क्या आ गई कुछ टॉक्सिक चीज़ आ गई तो उसको ना हम लोग सेल से दूर रख सकते सेल से अलग रख सकते वैक्यूल में इनक्लोज करके रख सकते तो जो वेस्ट मटेरियल होता है ये yes, uh, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो uh, इस सेल के काम आने वाले तो इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज वेसिकल ठीक है, इट अलाउस जर्मिनेटिंग प्लांट्स टू ग्रो क्विकली जर्मिनेटिंग प्लांट्स मतलब ऐसे plants जो, ऐसे जो, जो 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 क्या करेंगे, हो हो रहे, रहे, में से ग्रो हो रहे, उनको ग्रोथ, ग्रोथ क्विकली करने के पीछे क्या हाथ हो सकता है एटी परसेंट थर्टी परसेंट टू एसेंट वैक्यूल है और वैक्यूल में क्या भरा हुआ होता है वाटर है ना इसके अंदर क्या होता है वाटर आई होप इट इज विजिबल ओके इसके अंदर क्या होता है वाटर होता है मैं यहां लिख देती हूँ ओप सॉरी सो सॉरी अबाउट दैट इसको हटा देते हैं ठीक है अब यहां पर टू ग्रो क्विकली क्यों ग्रो क्विकली क्योंकि उसके अंदर होता है वाटर अब वाटर बहुत ज्यादा वैक्यूल स्टोर करके रख रहा है तो सेल की जो ग्रोथ है प्लांट सेल की ग्रोथ है मतलब प्लांट की ग्रोथ है तो वो जल्दी जल्दी होगी क्योंकि उसको सफिशियंट वाटर मिल रहा है जो स्टोर करता है कौन वैक्यूल है ना वैक्यूल्स मेंटेन इंटरनल प्रेशर दैट इज टर्गर प्रेशर यहां पर देखो अच्छे से ये ये फोटो में अच्छे से दिख रहा यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगर अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये वैक्यूल ने ना सारी की सारी जगह ले ली तो ये क्या कर रहा है बाकी ऑर्गेनल्स को ना बाहर की तरफ पुश कर रहा है ये जैसे जैसे वैक्यूल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है अपने अंदर पानी भर रहा है ये बाकी ऑर्गेनल्स को बाहर की तरफ पुश कर रहा है इट क्रिएट्स अ प्रेशर जो कि बाहर की तरफ जा रहा है सेल की वॉल की तरफ जा रहा है यस ये, ये प्रेशर जो ये कर रहा है पुट कर रहा है बाहर की तरफ जा रहा है इसके लिए प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो बीच में नहीं होता वैक्यूल होता है भरा हुआ तो ये जो वैक्यूल क्या करता है जैसे जैसे बढ़ता है सारे ऑर्गेनल्स को बाहर की तरफ पुश करते जाता है और ये प्रेशर बनाता है टुवर्ड्स द वॉल जिसको क्या बोलते हैं टर्गर प्रेशर टर्गर प्रेशर ये वर्ड बच्चों याद रखना एमसीक्यूज में आता है ओके इट क्रिएट्स वर्ड टर्गर प्रेशर अब और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन uh, है वैक्यूल का इट अलाउज आई होप इट इज विजिबल ओके इट अलाउज ऑल कंटेंट्स ऑफ सेल्स साइटोप्लाजम अगेंस्ट सेलुलर मेम्ब्रेन। अभी बताया मैंने वो इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है तो सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स है बाहर की तरफ जाते हैं और प्लास्टिड भी जाता है है ना प्लास्टिड भी बाहर की तरफ पुश होता है और प्लास्टिड के अंदर क्या होता है हम लोगों ने इसके प्लास्टिड वाले सेशंस में देखा था अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड कौन सा है क्लोरोप्लास्ट अब क्लोरोप्लास्ट भी बाहर की तरफ पुश होगा वॉल की तरफ वॉल के सरफेस की तरफ पुश होगा तो इट विल बी क्लोजर टू द लाइट यहाँ पर टी होना चाहिए ओके द है इट इट विल बी क्लोजर टू द लाइट जितना सेल वॉल की तरफ होगा अंदर की साइड नहीं होगा क्लोरोप्लास बाहर की साइड होगा तो उतना वो ज़्यादा सनलाइट ट्रैप कर पाएगा और फिर क्लोरोप्लास्ट के तो फंक्शन देखे ही हमने तो ये कौन हेल्प करता है उसको सेल वॉल की सरफेस तक जाने के लिए वैक्यूल ये काफी इंटरेस्टिंग uh, सा फंक्शन है तो आई होप इट इज विजिबल नाव टू एवरी वन ओके okay, ये जो वैक्यूल है ये क्या करता है प्रेशर बनाता है बाहर की तरफ जाने के लिए प्रेशर बनाता है सिंस ये साइज में ही इतना बड़ा होता है तो फिट होने के लिए इसको प्रेशर बनाना पड़ता है और जो सारे सेल ऑर्गनल्स है वो बाहर की तरफ पुश होते हैं और इस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग टर्गर प्रेशर क्या बोलते हैं बच्चों सब सब बाहर की तरफ चले जाते इवन न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है नॉर्मली हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है वो भी बाहर की तरफ पेरीफेरी में पुश होता है ये पेरीफेरी वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है ओके okay, साइड में पुश होता है और सारे जो अम, ऑर्गनल्स है सेल वॉल की तरफ पुश होते हैं इस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर और सेल ऑर्गेनल्स पुश हो रहे हैं तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी बाहर की तरफ पुश हो रहा है और उसके लिए इजी हो जाएगा सेंस वो सेल वॉल की तरफ रहेगा इस उसके लिए सनलाइट ट्रैप करना काफ़ी इजी हो जाएगा ये काफ़ी सिंपल से चार फंक्शंस किए हमने वैक्यूल के फिर हम लोगों ने वैक्यूल का स्ट्रक्चर भी देखा मेम्ब्रेन बाउंड है उसको मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं उसके अंदर होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर और ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंजाइम्स होते हैं यस वी सो दिस वी सो ऑल दिस है, yes, है न फिर हमने देखा कि एनिमल सेल का और प्लांट सेल का वैक्यूल होता है डिफरेंट डिफरेंट ओके आई होप वैक्यूल का पार्ट आप सबको समझ में आया हो काफी छोटा सा काफी सिंपल सा पार्ट है आपकी बुक में काफ़ी क्लास नाइन के लेवल के लिए एकदम uh, कम पार्ट दिया हुआ है वैक्यूल के लिए हाँ अमीबा वाला जो पार्ट है वैक्यूल्स uh, अमीबा के डाइजेशन में कैसे काम आते हैं ये आपको क्लास uh, टेन में लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा दैट इज डाइजेशन इन अमीबा वहाँ पर आपको वैक्यूल्स क्लास नाइन में पढ़ा था ये याद रखना है ये फंक्शन याद रखना है It's वेरी इजी एंड वेरी सिंपल बस इतना ही है कि वैक्यूल अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दैट्स इट यस आई होप सबको समझ में आया है नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेराक्सीजोम्स करेंगे और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चलो तब तक बाय एवरी वन हैव डे